इसके लिए जन आंदोलन तेज हो रहा है पूरे राज्य के अंदर। आज जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं की जड़ को अगर हमने नहीं समझा तो ये घटनाएं आए दिन घटती रहेंगी। इसको रोकने के लिए सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए कि आज ये जो व्यवस्था है, जो वोट पॉलिटिक्स चल रही है, इसके अंदर जो मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं, आपको पता है अश्लील वेबसाइट से कितनी कमाई हो रही है, क्या इसके रोक नहीं लग सकती सरकार? जिस तरीके से शराब परोसी जा रही है, हर युवक को उसकी नैतिक रीढ़ को खत्म किया जा रहा है और नशाखोरी पे डाल दिया जा रहा है, ये उसका कोज है, जड़ है इस बीमारी में। ये दो चीज जो है आज मानसिक रूप से लोगों को विकृत कर रही है, दोनों ही चीज। तो समाज के अंदर सबसे पहले इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे ही आने वाले बच्चे इन सब चीजों के शिकार होंगे। इसलिए जब भी ऐसी कोई घटना होती है, इसके खिलाफ इतना तीव्र जन आंदोलन करना पड़ेगा ताकि प्रशासन जो है, जो लापरवाही करता है, जो अपराधियों के साथ खड़ा होता है, आपने देखा होगा कि हमने एक रैली की थी जब सिक्कर वाली घटना थी, तो पुलिस प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ था कि आप ये क्यों कर रहे हो बिना परमिशन के, लेकिन अपराधियों के पीछे नहीं, अपराधियों को जो सजा दिलाना चाहते हैं उनके पीछे लगता है। ये देखिए विडंबना, देखिए ऐसे ही निर्भया का जब केस हुआ तो वहां पे राष्ट्रपति भवन के सामने कौन खड़े थे? वो लोग खड़े थे जो न्याय चाहते थे। उनके सामने लाठीचार्ज कौन कर रहा था? लाठीचार्ज करने वाला किसके पक्ष में खड़ा हुआ? सोच के देखिए, भले ही हमें लगे कि कानून व्यवस्था का बात है, लेकिन कानून व्यवस्था की बात नहीं, यहां एक के पक्ष में खड़े होने की बात है। पूरा का पूरा प्रशासन अपराधियों के साथ खड़ा हो जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस वोट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके समाज के हर लोगों को, नीति नैतिकता के स्तर पे, और हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, जो लोग इस समाज के अंदर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, ये जो महिलाओं पे आए दिन हम नुक्कड़ कोड़ों के ऊपर छिटाकसी की बातें सुनते हैं, इनको धमकाना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा इन सब बातों। महिलाओं को जो मजाक का पात्र बना रहे हैं आज देश के अंदर, युवा पीढ़ी भी इसकी शिकार हो रही है, इस सब से हमें एक विपरीत संस्कृति का उदय करना पड़ेगा। ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं, छोटी छोटी घटनाएं, ये बड़ी घटनाएं हो रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन इसके कारण जो है हम लोग देखते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे कोई अलग से नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसके खिलाफ किस तरीके से लड़ा जाए। दो तरह की लड़ाई है, जन आंदोलन से तो हम लड़ेंगे, इसके साथ साथ सांस्कृतिक आंदोलन जो करना पड़ेगा, जो ऐसे हंसी मजाक जो करते हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो। महिलाओं पे छिटाकसी और उनके ऊपर हंसी मजाक, गलत तरह की टिप्पणियां, ये सब जो लोग सचेत लोग हैं समाज में, उनको इसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए।